आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज यूपी। विकास खंड संकरण है जो भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस पर ब्लॉक प्रमुख बने रिपोर्टर, आइए जानते हैं। सकरण ब्लॉक के ग्राम पंचायत महाराज नगर है, जो बड़े ग्राम पंचायत है। लगभग मैं यहाँ 15 लाख रुपए सालाना राज वित्त 15 वित्त आता है और यहाँ सफाई कर्मी भी तैनात हैं। अगर दोनों तरफ देखा जाए तो नालियों के ऊपर से पानी बह रहा है और कीचड़ भरा हुआ है। आगे कुछ घर ऐसे हैं कि लगभग 25 से 30 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल आवागमन बंद है। सब नालियों में कीचड़ भरा हुआ है और सफाई कर्मी तैनात हैं यहाँ पर, और रोस्टर भी लगता है। रोस्टर लगता है यहाँ के जो एडीओ पंचायत और सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष रामू वर्मा हैं, वो भी कागज पर ही काम करते हैं, लेकिन नालियां यहाँ देखी जाए तो बिल्कुल जाम ही पड़ी है और लोगों को निकलने के लिए बहुत दिक्कत है। यहाँ के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं राजू, वो भी इस गांव में नहीं आते हैं। अगर देखा जाए तो केवल एक हाथ का रास्ता बचा हुआ है, दोनों तरफ कीचड़ भरा हुआ है। हमारी आवाज पत्रकार महोदय और हमारे ग्रुप में जो जुड़े लोग हैं, इसकी आवाज DPRO तक पहुंचनी चाहिए, जो कि इस गांव के नालियों की सफाई हो सके, जो कि लोगों को आने जाने की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ जो सकरण ब्लॉक के सफाई कर्मचारी हैं, उनका रोस्टर लगाया जाता है, वो आते हैं प्रधान जी के दरवाजे पर और मेन रोड जहाँ अधिकारियों की गाड़ी निकलती है वहाँ सफाई कर देते हैं, लेकिन गांव के अंदर घुसकर नहीं देखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि डीपीआरओ महोदय से कि इस पर संज्ञान लें। जो रोस्टर लगता है कम से कम नालियों की सफाई हो जाए, क्योंकि लोगों को आने जाने की समस्या खत्म हो जाए।